नमस्कार आदाब सत सरकार, मैं हूँ दानिश रजा खान और आप देख रहे हैं बीएनसी न्यूज़। दोस्तों, बीएनसी न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम कौन बनेगा महापौर में आपका स्वागत है। और इस कार्यक्रम में हम बताएंगे इस नगर निकाय चुनाव में क्या है बुरहानपुर की जनता की समस्या, उनसे आपको रूबरू कराएंगे। जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। देखिए, इस बार कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन हुआ उसकी वजह से 2 साल पीछे हम लोग चल रहे हैं। चुनाव हमारे बुरहानपुर के या पूरे मध्य प्रदेश में जो नगर पालिकाएँ नगर निगम हैं उनके चुनाव 2 साल लेट हो रहे हैं। अब शासन को चाहिए कि ये प्रक्रिया को तेज़ी से आगे बढ़ाए और जल्द से जल्द चुनाव कराए, क्योंकि जो नगर परिषद या नगर पालिका या नगर निगम होते हैं ये शहर के जो हैं विकास में बहुत ज़्यादा इनका योगदान होता है। हमारे शहर में अब क्योंकि महिला जो है आरक्षित हो गई है मेयर के लिए, इसलिए ऐसी महिला कैंडिडेट को सभी पार्टियाँ चाहिए कि ऐसी महिला को कैंडिडेट बनाएं जो राजनीति से जानकार हो, पढ़ी लिखी हो, और ऐसा ना हो कि उसका पति हो जो अपने जो है पीछे से पूरा उसका सपोर्ट कर रहा हो। महिला खुद अपने आप में ऐसी सक्षम होना चाहिए कि जो निर्णय ले सके। और क्योंकि हमारे शहर बुनकरों का शहर है, यहाँ पर टेक्सटाइल उद्योग बहुत ज़्यादा वो हैं, इसलिए यहाँ के बुनकर और यहाँ के राजस्थानी भाई सब मिलकर इसकी तरक्की में योगदान करें और जो मेयर है वो इसमें पूरा अपना सहयोग दे, ऐसा मेयर हमें चाहिए। जी, जैसी हम बात करते हैं नगर निगम की, तो मतलब होता है एक विस्तृत जनसंख्या जिसके आधार पर नगर पालिका से वो नगर निगम में तब्दील हुआ है। अब ये एक ऐसा पद है जो महत्वपूर्ण है, इसमें कानूनी समझ जिस व्यक्ति को होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी शासकीय योजनाएं ऐसी होती कि जो महापौर की समझदारी और उसके द्वारा उठाए गए कदम के आधार पर आम लोगों को मिलती है। आम लोग ये सोचे कि महापौर बन गया, योजनाओं का लाभ मिल जाएगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि महापौर नगर निगम एक्ट का जानकार होना चाहिए, समझदार होना चाहिए और सभी को साथ में लेकर चलने वाला होना चाहिए। शहर का अगर हम विकास की बात करें तो शहर का विकास उसी स्तर पर होता है, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं गवर्नमेंट चलाती है, कई योजनाएं ऐसी होती कि जिनका महापौर को मालूम ही नहीं होता है कि उसका कैसा इम्प्लीमेंटेशन होगा, कैसा उसका प्रोजेक्ट होगा। आज अगर हम बात करें, कुछ काम ऐसे चल रहे हैं जो पुराने कोशिशों के, पुराने महापौरों के प्रयासों के चलते जो आज ज़मीनी हकीकत में काम आ रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि आज की तारीख में महापौर ऐसा होना चाहिए जो पूरी तरह से पढ़ा लिखा हो, समझदार हो। अंगूठा टेक होने से कोई मतलब नहीं आ रहा है, जो कानून को समझे, लोगों को समझे, योजनाओं को समझे, कैसा विकास हो सकता है इस बात को समझे, ऐसा महापौर चुनना चाहिए। और मैं तो राजनीतिक पार्टियों से भी ये आग्रह करूँगा कि वो पढ़े लिखे, समझदार और अनुभवी व्यक्ति को महापौर का टिकट दे, मात्र सिंबल के आधार पर टिकट दे करके खड़ा करवा दे और वो जीत जाए। महापौर बनने के बाद उसे कुछ नहीं समझ में आए, जैसी लाल फीताशाही चलती है, कर्मचारी ने जैसा बोला, अधिकारी ने जैसा बोला, उस पर साइन करके आगे बढ़ा दी, ऐसा नहीं। साइन करने का मतलब ये नहीं कि जिसने कह दिया कर दो, उसको पहले समझो तो सही कि उसको में क्या हो रहा है। तो ऐसा महापौर होना चाहिए, महापौर ऐसा होना चाहिए कि जो बुरहानपुर के ओवरऑल विकास का ध्यान दे, उसमें इंडस्ट्रीज़ की भी ग्रोथ हो। अगर इंडस्ट्री की ग्रोथ होगी तो बुरहानपुर में रोज़गार की ग्रोथ होगी, तो रोज़गार पर जो ध्यान दे, अगर रोज़गार पर ध्यान देंगे उसकी ग्रोथ होगी, इंडस्ट्री ग्रोथ होगी, हर हमारे आदमी की ग्रोथ होगी। उसके अलावा जो सबकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए आम आदमी को साथ लेके चले, ऐसा महापौर हमारा होना चाहिए। श्री किशन मुंदड़ा। शहर के अच्छे से अच्छा विकास हो, ये सब महापौर चाहिए हमारे। वो समझिए, नाली वगैरह साफ सफाई मेंटेन, रोड गंदगी बहुत है, बस ये सब साफ सफाई मेंटेन रहना चाहिए शहर का। चंपालाल कोठारी। तो जाना आपने इस नगरीय निकाय चुनाव में क्या है बुरहानपुर की जनता की समस्या, इस सवालों को लेकर आज हमारे साथ में बात करने के लिए कांग्रेस की महापौर दावेदार और पूर्व निगम अध्यक्ष गौरी शर्मा है, जिनसे आज हम आपके सवालों के जवाब जानेंगे। आइए जानते हैं। दीदी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। नमस्ते, धन्यवाद। दीदी, ये बताया कि आपका जन्म कहाँ हुआ, शिक्षा कहाँ तक हासिल की और राजनीति में आपने जो कदम कैसे रखा? मेरा जन्म महाराष्ट्र के अकोला में हुआ है, मैं महाराष्ट्र में ही मेरा पढ़ाई सब हुआ है, मैंने बीए किया है। और राजनीति में मेरा आना ऐसा हुआ कि ऐसे तो मेरे पति दिनेश शर्मा मेरे पहले 2 बार पार्षद रह चुके हैं, उस समय मैं उनका तो काम देखती थी, पर मेरा जो वार्ड है वो सामान्य महिला हुआ और फिर उस हिसाब से मैं इस वार्ड से पार्षद का चुनाव लड़ी और मैं अध्यक्ष भी बनी।
तो इस तरह से मेरा राजनीति में आना हुआ। करीब 15 साल हो रहे हैं मुझे राजनीति में आए हुए। दीदी ये बताए कि आप कांग्रेस में अब तक किन किन पदों पर रह चुके हैं? मैं कांग्रेस की सबसे पहले तो सदस्य बनी थी, उसके बाद में मैं कांग्रेस पार्टी की उपाध्यक्ष भी हूँ कांग्रेस जिला कांग्रेस कमेटी में, और उसके बाद में मैं निगम अध्यक्ष रह चुकी हूँ और लायंस क्लब से भी जुड़ी हूँ, लायंस क्लब ग्रेटर से, और निगम अध्यक्ष पार्षद डाकवाड़ी से रह चुकी हूँ। 2 बार मेरा पार्षद का कार्यकाल हुआ और अभी मैं विप्र नारी राष्ट्रीय संस्था की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। दीदी आपने महापौर पद के लिए जो दावेदारी की है, अगर ये पार्टी आपको टिकट क्यों दे? ऐसा है कि मैं पार्टी की निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ और सामान्य महिला हुआ है, इसलिए मैंने दावेदारी कल की है। मैंने पहले दावेदारी करने का नहीं सोचा था, मैंने कल ही दावेदारी की है। मुझे कई शहर के जो बुद्धिजीवी लोग हैं उन्होंने कॉल करके मिलके, मैं वॉकिंग पे जाती हूँ वहाँ मुझे कई लोगों ने बोला, और इस तरह से मैंने उसको सोचा और मैंने फिर कई अपने जो शुभचिंतक और जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनसे बात की और मैसेज के द्वारा कॉल करके भी, तो उन सबका कहना था कि आप दावेदारी करिए, अगर आप दावेदारी करती है तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरी भी एक इच्छा है कि हमारे शहर की हालत जो है बहुत ख़राब हो चुके हैं, तो उसको देखते हुए मैं शहर के लिए कुछ करने की इच्छा रखती हूँ, इसलिए मैंने दावेदारी की है। दीदी नगर निगम में 5 साल का जो बीजेपी का कार्यकाल रहा है, कैसे देखते हैं आप इसे? मैं कई वर्षों से जुड़ी हूँ नगर निगम से, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो शहर में विकास होना चाहिए पर वो विकास उस तरह से नहीं हो रहा है। एक शहर का विकास तो छोड़िए, जो मूलभूत सुविधाएं है वो अभी तक हमें मिल नहीं पा रही है, यहाँ तक कि अभी तो शहर के हालात आपने 5 साल की बात की तो इतने गलत हो गए हैं कि रोड पूरी तरह से खुदे हुए, ना लाइट की व्यवस्था ठीक से, धूल मिट्टी हर जगह पे, रोड की जगह पे सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे दिखते हैं, ना महिलाओं को पीने का पानी मिलता है, ना आज हवा पानी और रोड, ये तो हमारी डेली नीड्स है क्योंकि हमें बाहर आना जाना पड़ता है, बच्चे स्कूल कॉलेज जाते हैं, हम भी महिलाएं गाड़ी पर जाते हैं, तो रोड इतनी बुरी तरह से खुदे है कि अभी बारिश, एक बारिश आई कि देखिए आप कितने लोग गिरने का, ऐसे भी गिर रहे हैं पर बारिश में और ज़्यादा गिरते हैं, तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि जिन पर काम होना चाहिए पर उन पर काम नहीं हो रहा है, विकास तो कहीं से कहीं तक नहीं है, बल्कि जो मूलभूत सुविधाएँ हैं हमें वो भी नहीं मिल रही है। दीदी ये बताइए कि अगर आपको पार्टी कांग्रेस महापौर की टिकट दे देती है तो किन मुद्दों को लेकर आप जो है जनता के बीच में जाएंगे? देखिए मुद्दे तो बहुत है, जनता खुद परेशान है क्योंकि आज आवास योजना को लिया जाए तो आवास योजना में लोगों की किस्तें समय पर नहीं आ रही है, यानी जो मकान 6 महीने 1 साल में बनना चाहिए उस मकान को 3-3, 4-4 साल लग रहे हैं, तो वो गरीब परिवार एक तो किस्त के लिए चक्कर काट रहा है बार बार नगर निगम की, दूसरी बात उनको किस्त समय पर नहीं मिल रही है, किराए का मकान लेकर अपने परिवार को वहाँ पर रखना ये भी उनके लिए बहुत मुश्किल है। आज बुरहानपुर ऐसा शहर है कि जो रोज कमाते हैं रोज खाते हैं, तो वो अगर कमाई करे तो उनको समय नहीं मिल रहा है क्योंकि उनको नगर निगम की चक्रे काटना पड़ता है, दूसरा अगर वो उनकी कमाई नहीं हो रही तो अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगे, और इन जो किराया वगैरह लग रहा है वो कैसे भरेंगे। कई परिवार ऐसे हैं कि जो बहुत परेशान है इन चीज़ों से, उसमें बारिश ये सब चीज़ें होती है तो वो अपना वो सब कैसे ये करेंगे, तो ये मुद्दा है। फिर उसके बाद में आज आप देख रहे हैं शहर की हालत, जो सीवरेज और जल आवर्धन में जो रोड शहर पूरा खोद कर रखा है तो उससे भी बहुत परेशान है, आज धूल मिट्टी की वजह से टीबी की, आंखों की कई बीमारियां हैं जो सबको फेस करना पड़ रहा है, तो ये सब चीज़ें हैं और कई ऐसे काम है, जैसे रोड बनना था हाईवे रोड उसका भी काम रोक दिया था तो आज कई एक्सीडेंट हो रहे हैं, आए दिन पता चलता है कि रोड पर एक्सीडेंट हुआ और कोई
शांत हो गया। तो आज ये एक परिवार के लिए बहुत बड़ी घटना है। तो इन सब चीज़ें बहुत सारे हैं, और भी जैसे मीठा पानी है तो पानी की व्यवस्था, हर लाइट की व्यवस्था, यानी हर चीज़ें बहुत सारे मुद्दे हैं। गिनाने जाऊँ तो आज समय इतना नहीं है कि मैं इतने सारे पॉइंट गिनाऊँ आपको। दीदी ये बताए, निगम नगर निगम सभापति आप रह चुके हैं, नगर निगम की दृष्टि से शहर का क्या विज़न है? अगर नगर निगम में देखा जाए तो जो बुज़ुर्ग है अपनी पेंशन के लिए, एक महीने की पेंशन के लिए उनको 4 से 5 बार आना जाना पड़ता है, कभी बैंक में जाते हैं कभी नगर निगम आते हैं, तो इसको देखते हुए सबसे पहले तो बुज़ुर्गों की पेंशन उनके खाते में समय पर पहुँचे और उनको नगर निगम में बार बार ना आना पड़े। इस हिसाब से कोई ऐसा नंबर भी रखेंगे कि अगर उनको दिक्कत होती है तो वो उस पर कॉल करके बात कर सके। मेरा नंबर तो एनी टाइम चालू रहता है और मैं सभी को, मेरा नंबर कॉमन है, मैंने सभी को देकर रखा है। और उसके बाद में महिलाओं के लिए भी जो परेशानी होती है तो उसके लिए भी कुछ खास व्यवस्था की जाएंगी। और जैसे शहर की हालत देखते हैं तो मूलभूत सुविधाएं तो हमको मिल नहीं रही है, किसी को भी नहीं मिल रही है, तो उनके तरफ तो ध्यान दिया ही जाएगा। उसके अलावा शहर को सुंदर करने के हिसाब से बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो हम उसको आगे बढ़ाएंगे। फिर जो हमारे यहाँ पर उड़ान पुल वगैरह बनाकर, ये मैं निगम अध्यक्ष थी उस समय भी मैंने रखा था इसका प्रस्ताव कि उड़ान पुल बनाया जाए, तो आज जो ट्रैफिक जाम होता है शनवारा में वो ना होते हुए सुचारू रूप से व्यवस्था चलेगी शहर की। तो वो एक उड़ान पुल उस जगह से और एक मंडी से होते हुए, ऐसे दो जगह का उड़ान पुल का भी सोच कर रखा था। और आज हमारे यहाँ जो सीवरेज योजना जल आवर्धन ये हुआ है, इससे रोड तो बहुत बुरी तरह से ख़राब हो गए हैं, तो शहर को सुधारा तो पूरी तरह से जाएगा। पर जो सीवरेज आपने किया है, पर सीवरेज करके भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आज वो सीवरेज से लोगों के घरों में गंदी बदबू आ रही है, लोग परेशान हो रहे हैं, तो इसको भी ध्यान में रखते हुए किया जाएगा आगे कुछ। और जो सीवरेज का मतलब है कि नालियां बंद कर दो, तो हमारा शहर पुराना है तो इसकी वजह से रोड छोटे हैं, तो आज सीवरेज अगर हम करते हैं तो नालियों को पूरी तरह से बंद करके फिर रोड भी चौड़ा होगा और थोड़ा सा व्यवस्थित दिखेगा, क्योंकि आज जो गंदगी है वो पूरी नालियों के अंदर जा रही है, वो कहीं ना कहीं सड़कें बीमारियों को भी आमंत्रित कर रही है। तो इन सब को देखते हुए जो वार्ड है, जिन वार्डों में ज़रूरत है कि कहीं एक डॉक्टर बैठे, जो गरीब लोग हैं जिनको उससे सुविधा मिले, तो ऐसे एक छोटे छोटे क्लिनिक खोलकर और मीठा पानी घर लोगों को घर तक पहुंचाया जाए, बहुत सारी योजनाएं हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। और जो भी शहर के अलग अलग सामाजिक संगठन या जो भी आप बहुत सारे बुद्धिजीवी वर्ग है, संस्थाएं हैं, सभी को बुलाकर सभी के सुझाव से शहर के हित में जो भी अच्छा हो ऐसा कुछ नया करने का, बच्चों के लिए गार्डन, स्विमिंग पूल था पर उसका कोई मतलब नहीं है, तो कुछ ऐसा कुछ बनाए जो जिसका शहर की जनता फ़ायदा उठा सके। क्योंकि हमारे यहाँ ना बच्चों को खेलने के हिसाब से, ना महिलाओं को वॉकिंग के हिसाब से, कहीं पर भी कुछ नहीं है ऐसा, तो उस और ध्यान देते हुए हम उसके लिए भी बहुत कुछ करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमको समय देने के लिए, धन्यवाद। तो ये थे कांग्रेस की महापौर दावेदार गौरी शर्मा, जिनसे आज हमने सारे सवालों के जवाब जाने हैं। तो ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे BNC न्यूज़ के साथ में। BNC न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन मोहम्मद अनस के साथ दानिश रजा खान, बुरहानपुर।